हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारे भारतीय रेलवे के दो मंजिला मतलब कि डबल डेकर ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन हमारे भारतीय रेलवे से धीरे धीरे करके विलुप्त होती जा रही है। तो दोस्तों, हमारे भारतीय रेलवे में जो पहला डबल डेकर ट्रेन था वो दिसंबर 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, जो कि ICF प्लस नॉन AC कैटेगरी की डबल डेकर ट्रेन थी, जो कि मुंबई सेंट्रल से सूरत के बीच में चलती थी। डबल डेकर ट्रेन जो थी वो शॉर्ट रूट पे ज़्यादा पैसेंजरों को 60 मतलब कि टोटल 120 कैपेसिटी वाली सीट थी, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसके मकसद से। धीरे धीरे करके और भी डबल डेकर ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर एक वक्त आया जो कि आपकी LHB प्लस AC कैटेगरी की डबल डेकर ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि सबसे पहला था धनबाद से हावड़ा के बीच। धीरे धीरे करके AC डबल डेकर ट्रेनों को भी और भी ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। फिर एक साल आया 2018, जिसमें RDSO ने कुछ ट्रेन में मॉडिफाई करके एक नया कैटेगरी बना दिया, उदय उत्कृष्ट डबल डेकर AC यात्री एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि डबल डेकर का सक्सेसर ट्रेन था। ये भी बहुत अच्छे से चलने लग गया। एक वक्त पे जो डबल डेकर की संख्या थी वो 20 से 22 हो गई, 8 से 9 आपकी नॉन AC कैटेगरी की रही और फिर बाकी की सारी ट्रेनें AC कैटेगरी की रही। धीरे धीरे लेकिन करके ये सारी ट्रेनें बंद हो गई। करंटली अभी टोटल 5 डबल डेकर ट्रेन हमारे भारतीय रेलवे के अंदर में चल रही है, जो कि मेन खासा रूट पे चल रही है, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल, आपका चेन्नई बेंगलोर, चेन्नई से मंगलुरु, फिर आपका विशाखापट्टनम तिरुपति। ये टोटल मेन जो स्पॉट एरिया है, ज़्यादा आपका वैकेंसी, ज़्यादा सीट फुल हो सकती है, वहीं पे चल रही है। बाकी की जगह पे जो जितनी भी नॉन AC थी, बाकी जितनी भी AC डबल डेकर थी, वो सारे धीरे धीरे करके बंद हो गए। तो क्या कारण थे ये डबल डेकर ट्रेन बंद होने के या धीरे धीरे विलुप्त होने के, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल 3 पॉइंट है जिसकी वजह से डबल डेकर ट्रेन आज के टाइम पे बहुत ही कम हो चुकी है। सबसे पहला है कम्फर्ट। ये जो डबल डेकर ट्रेन थी, इस चेयर कार के अरेंजमेंट पे सीटिंग अरेंजमेंट चलती थी, जिसकी टोटल कैपेसिटी होती है 120। इसके अंदर में कंफर्ट नहीं मिल पाता था पैसेंजरों को, क्योंकि इसके जो हेड पोजीशन होती थी वो बहुत कम हो जाती थी, ठीक है। सेकंड, इसका आपका 2x3 का अरेंजमेंट होता था सीटिंग का, 120 की कैपेसिटी होती थी, जिससे पैसेंजर ज़्यादा बढ़ जाते थे तो कंफर्ट नहीं मिल पाती थी। सेकंड है आपका लग स्पेस। चेयर कार होती थी जिससे ऊपर और नीचे लगेज स्पेस इसको देते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कितना कम लगेज स्पेस है, तो पैसेंजर लोग अपना लगेज रखे तो रखे कहाँ। थर्ड है आपका ट्रैक सूटेबिलिटी। ट्रैक सूटेबिलिटी मतलब कह सकूँ कि डबल डेकर ट्रेन को ना ट्रैक इसकी नॉर्मल ट्रेनों से थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा चाहिए होता था, जो कि इंडियन रेलवेज ने इस ट्रेन को प्रोवाइड नहीं किया। सीधी सी बात है, एक अलग से ट्रैक वो क्यों ही बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा। नॉर्मल ट्रेन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डबल डेकर ट्रेन, जो कि सक्सेसफुल इन कारणों की वजह से नहीं होगी। अभी जिन भी रूट पर डबल डेकर ट्रेन चल रही है, उस सेक्शन पे पैसेंजर की कम्युनिटी जो ट्रैवल करने का जो एरिया है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये मेजर सिटीज़ में चल रही है, जिसकी वजह से ये ट्रेनें अभी तक चल भी पा रही हैं। आगे चल के ये अपग्रेड किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो तो इंडियन रेलवे के हाथों में है, जिसकी वजह से डबल डेकर ट्रेन धीरे धीरे करके बंद होने लगती। अभी 5 मिनट चल रही है, जो कि मैंने प्रीवियस आपके साथ डिस्कस किया है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए।